और इस बीच नूह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नूह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले प्रशासन सख्त नजर आया है। आज शाम 6 बजे से बंद रहेगी इंटरनेट सेवा, कल शाम 6 बजे तक पाबंदी रहेगी इंटरनेट सेवा पर। गृह विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बल्क मैसेज सेवाओं पर भी पाबंदी रहेगी। नूह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले प्रशासन की सख्ती, देखिए इस बार ब्रजमंडल यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, सख्ती भी बरती जा रही है प्रशासन की ओर से। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, और क्या जानकारी इसको लेकर, ब्रजमंडल यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां जो है प्रशासन कर रहा है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए नौ में इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी, इंटरनेट सेवाएं बंद रहने वाली हैं। 21 जुलाई से 22 जुलाई तक 24 घंटे के लिए तमाम इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, यानी कि आज शाम 6 बजे से कल शाम 6 बजे तक ये पाबंदी रहने वाली है। बल्क मैसेज की सेवाओं पर भी पाबंदी रहने वाली है। गृह विभाग की तरफ से ये आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ब्रजमंडल यात्रा से पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त कदम जो है वो उठाए गए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से ये गृह विभाग की तरफ से ये कहीं ना कहीं आदेश जारी कर दिया गया है कि नौ में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं पिछले साल जो ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी उसमें कुछ अप्रिय घटनाएं घटी थी, जिसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है, और इस साल इस यात्रा में इस प्रकार की कोई घटना न घटे उसको लेकर ये एहतियातन तौर पर ये कदम जो है प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं जी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सृष्टि, कहीं ना कहीं उन तमाम प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जाएगी, सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर रखी जाएगी, जो कहीं ना कहीं रूमर्स फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो उनको उनके साथ भी कहीं ना कहीं सख्ती से गृह विभाग अपने पड़ते हुए नजर आएगा। चलिए, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो ब्रजमंडल यात्रा से पहले प्रशासन की एक और बड़ी सख्ती जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है।